ये देखो मैंने यहाँ फिट किया है। दोस्तों मेरा टेंट कहाँ जा रहा है? मेरा टेंट उड़ के जा रहा है, कौन लेगा चोर? देखो मेरा टेंट ही भाग गया। वाह वाह, ये देखिए जी क्या नजारा है, बाहर बर्फ भी पड़ी है यार, बारिश भी हो रही है और वो यार ऑलरेडी। और ये देखो ये मेरा जैकेट जो है, मेरा अंदर वाला भी वाटरप्रूफ था, मैंने सोचा अब इस पे खर्चा किया ये तो ये हमें पूरा वाटर से बचाएगा। पैक कर रहे हैं और ये देखो अभी बर्फ भी हमें मिल गई, क्या बात है। इस साइड जो है बर्फ भी है क्योंकि इस तरफ धूप कम लगती है। वाह, और इसकी हीट बहुत तेज होती है पता है, सब कम रखना पड़ेगा। ये वो ग्रेवी उन्होंने निकाल दी थी एक महान बंद। मेरा गला पहले बैठ गया, कैसे हो? ठीक हो? से ठीक है। आज फिर जो है मुझे लगा थर्ड संडे है, एक संडे तो हमने बीच में मिस कर दिया, जब बर्फ़ पड़ती तब हमने शूट किया था कुछ एक ब्लॉग। आज हमें फिर टाइम मिला है, आज हमारे साथ बिलाल तो नहीं है, तौसीफ है, ये अपना ब्लॉग बनाएगा। और हम जो है जा रहे हैं आज फिर एक पॉइंट पे आगे जाएंगे। बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, तो आज हमने जो है टेंट भी लेके आए और खाना जो है सामान जो है पैक करवा के लाए और कहीं जाएंगे। और आगे हम जाएंगे सीधा, अब जहाँ से हम उतरेंगे गाड़ी को रोकेंगे और वहाँ पे ही हम आगे स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम मिलेंगे। हल्की हल्की सी बर्फ। अब जो है हम यहाँ से जाएंगे और ये हमारा सामान है थोड़ा, मैं इसको ये जैकेट है वाटरप्रूफ और ये जो है बैक कवर है, ये हम लगा के फिट एंड फाइन होके और निकलेंगे और आगे जाएंगे। थोड़े से बाल संवारते हैं क्योंकि अब बारिश है बाहर, और सीधा हम टेंट लगाएंगे और वहाँ पे कैंपिंग करेंगे, ठीक है। और ये देखो क्या मौसम है, वाह वाह। यहाँ आर्मी वाले हमारे साथ छेड़छाड़ ना करें तो बाकी ठीक रहेगा। और वो यार ऑलरेडी। और ये देखो ये मेरा जैकेट जो है, मेरा अंदर वाला भी वाटरप्रूफ था, मैंने सोचा अब इस पे खर्चा किया ये तो ये हमें पूरा वाटर से बचाएगा, और ये पहन लिया है और उसके बाद मैं निकलूंगा। ये बैग पूरा मेरा रेडी हो गया है और आगे अब ट्रैकिंग के लिए चले चले। चलो भैया, तो चलो ना फिर, अब बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ी है, ये तो फिर कम है। अब हम आगे चलेंगे इसी ट्रैक और आदमी ट्रैक को फॉलो करते हुए। ये कम नहीं है और क्या ज़्यादा है। बारिश हो रही है और हल्के हल्के हम चल रहे हैं। मैंने डबल कैप पहन लिया, अंदर जैकेट की कैप है और ऊपर ये वाली कैप है, और आगे चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो सी भाई मटक मटक के चल रहे हैं, हाथ में कुछ सामान लिया हुआ है। DKG टू रतन की ट्रैक, वाह वाह, ट्रैक कर रहे हैं। और ये देखो अभी बर्फ भी हमें मिल गई, क्या बात है। इस साइड जो है बर्फ़ भी है क्योंकि इस तरफ धूप कम लगती है। ये बर्फ पत्थर बन चुकी है बिल्कुल, हल्की हल्की सी हमें बर्फ दिखाई दे रही है पीछे, ये तो हमारी खुशी की इंतहा नहीं रही। कैमरन भैया तो बहुत खुशी से पागल, मैं तो बहुत खुश हूँ, लगता है कि यहाँ पे रील बनानी चाहिए हमें, नीचे यहाँ पे रील बनाएंगे, पहले कैंपिंग करते हैं उसके बाद। एक तो मन कर रहा है कि यहाँ पे ही लगाएं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डाउन साइड है, सेफ नहीं होगा, हमें टॉप ओपन पे करनी पड़ेगी। और हम यहाँ से अब चढ़ेंगे, बर्फ के पैचेस देख सकते हो यार भैया लास्ट टाइम। और ये आपको जैसे पता ही होगा पहले व्लॉग में देखा था, ये है टेंट हमारा और ये इसको हम अनरैप करेंगे, खोलेंगे और यहाँ पे हम तैयार करते हैं, ठीक है भैया। आप काम करो, आप अपना तंबू तैयार करो, हम पूरा इसको। हाँ तंबू तो हम तैयार करेंगे, हम क्या करेंगे दोनों तैयार करेंगे। काफ़ी ठंडा है देखो, हाथ पूरे यहाँ तो रेड नहीं दिखेंगे, कुछ और दिखेंगे, लेकिन काफ़ी ठंडे हो गए हाथ। और हमारा जो हमने खाना पैक करा के लाया था वो भी ठंडा हो गया होगा। जल्दी से हम क्या करते हैं, ये टेंट तैयार करते हैं, उसके बाद आपको सीधा हम टेंट उठा के वहाँ चले जाएँगे। फिलहाल जो है ये देखो हमने अपना टेंट रेडी कर दिया, जल्दी जल्दी आपको बताया नहीं, अब यहाँ से उठा के वहाँ ले जाएंगे। बारिश काफ़ी है तो यहाँ से हुक्म ले जाते हैं, और ये देखो ये कांप के हैं ठंड के मारे में, अब वहाँ जाते हैं, वहाँ पे मिलते हैं। ये देखो मैंने यहाँ फिट किया है। दोस्तों मेरा टेंट कहाँ जा रहा है? मेरा टेंट उड़ के जा रहा है, कौन लेगा चोर? देखो मेरा टेंट ही भाग गया, वाह वाह वाह, क्या बात है। तौसीफ भाई ने टेंट ही गायब कर दिया मेरा। अच्छा ये आपने उठाया हुआ था, कहाँ छुपे हुए हो? ये हम लोकेशन पे ले आए, यहाँ बर्फ है थोड़ी और यहाँ इसका नज़ारा लगाएंगे, यहाँ पे सामान रखते हैं और हम इसके अंदर जाएंगे चुपचाप। ये है ये जो हमारा टेंट तैयार हो गया, और तौसीफ भाई जो है तौसीफ अंदर घुस गया। देने के लिए यहाँ पे बैठ गए, अंडे नहीं देंगे यहाँ आपको, कुछ देंगे उनको, क्या दोगे? यहाँ बेस हम बिछाएंगे, वो जो है मैट्रिस स्लीपिंग बैग है एक हल्का सा, वो रखेंगे नीचे, एज ए बेस हमें काम आएगा। आना आना जल्दी आप। बस हम आने वाले भैया, बता देता हूँ दर्शकों को, अब सीधा यहाँ से अंदर जाएंगे, शूज खोलेंगे, तौसीफ ने खोलनी है, उसके बाद क्या करेंगे हम खाना खाते हैं फिर आगे मिलेंगे। तब तक देखो नज़ारा, ये देखिए जी क्या नज़ारा है, बाहर बर्फ भी पड़ी है यार, बारिश भी हो रही है। तो सिर्फ जो है ठंड के मारे डायरी चिट्ठी भी लिखोगे? लिखो जी। नहीं नहीं, हमें थॉट्स आते हैं ना, वो थॉट्स अच्छा। लिखते रहते हैं। ये जो है ये मैं उतार लेता हूँ, ये कौन उतारे बार बार, है ना, फिर पहनना पड़ेगा ये, ठीक है, इसलिए जो सेफ है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, हम खाना कुछ पैक करवा के लाए थे वो खा लेते हैं, खाएं फिर निकालो खाना, मुझे लग रहा है चपाती ठंडे हो गएंगे। लेकिन हमारे पास जो है स्टोव भी है, उससे देखते हैं कुछ हमारा जुगाड़ बन सकता है तो बनेगा। और आप बने रहे ब्लॉग पे और हम कुछ खाते हैं।
लोग आते हैं, हमें एंजॉय करने के लिए बिल्कुल, हमें जो है बैटरी बहुत कम हो चुकी है, हम खाना निकालते हैं उसके बाद करते हैं, खाना निकालते हैं। भैया देखो बाहर बर्फ तो देखो, मन ही नहीं आ रहा बाहर, चुपचाप क्या नज़ारा है यहाँ भी, वह देखो देखो तेल क्या डालेंगे। ये हम जो है ये देखो स्टोव जलाया है, और ये बर्तन ना जल जाए तब तक, ठीक है, व्लॉग के चक्कर में, और बाहर बारिश हो रही थी इसे हमने क्लोज कर दिया, और इसमें जो है चिकन पैक करवा के लाए थे, हमें पता था बाहर बर्फ का मौसम बनेगी नहीं, बनेगी नहीं, और इतने हम मतलब बारिश कैसे बनेगी। फिर ये आप लगाएं थोड़ा इधर, तो मैं जो है इसको खोलता हूँ, क्योंकि ये तौसीफ भाई ने दोनों जो कैमरे फोकस किए थे मैं उनका व्लॉग भी बन रहा था सर। तो इसमें हम लाए थे कढ़ाई चिकन लाए थे, और साथ में चपाती, चपाती का तो काफ़ी ठंडे हो गए होंगे, लेकिन चलो हम कोशिश करेंगे कि हम क्या करें उसको भी गर्म करें। हाँ जी, हाँ जी, करो गर्म, पानी लाया नहीं साथ में, पानी से थोड़ा गर्म करेंगे। अच्छा, आज पानी की जगह हम बर्फ खाएंगे, बर्फ खाएंगे, बर्फ इतनी ज़्यादा है तो पानी को एक, क्या एक आइडिया और भी आ गया ना, जब हमें पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें गर्म करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो पानी बना लेंगे। अब ये थोड़ा एहतियात में हिले ना, डाल दूँ, डालो डालो आराम से, अगर ये उलट गया ना, उलट गया आप हाथ रखना ना उसको। वाह, और इसकी हीट बहुत तेज़ होती है पता है, सब कम रखना पड़ेगा। ये वो ग्रेवी उन्होंने निकाल दी थी, एक महान बंदे थे, उन्होंने डाली भी थी, हम बोले थे नहीं चाहिए, डेड नहीं हुआ, ये बैकग्राउंड में चलता है, इस बैकग्राउंड में चल रहा है, क्लिक करो इधर ये देखो जी हमारा, वाह क्या तेज चिकन है ये बनाया तूफ लगी है, पकड़ो नहीं, काफ़ी तेज़ बना दिया था मुझे लग रहा है। और इसकी जो है सिलेंडर की इसमें बोरॉन पड़ी होती है शायद, गैस हाँ, और ये काफ़ी आराम से करना, ये स्टोव गिर भी सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं करना, प्यार से थोड़ा इसको गर्म करेंगे, ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, हल्का हल्का गर्म करके फिर गर्म नहीं। अब मुझे क्या पता ये इतनी मिर्ची डाली है कि इतना तेज है, व्हाट एक्सपीरियंस ना, ना अच्छा मज़ा आ रहा है ना। आगे भी हम, पहले मैं अकेले कैंपिंग करता, देखो यहाँ पे माइनस टेम्परेचर अभी देख सकते हो आप, धुआं कैसे जा रहा है, वाह, और बर्फ़ भी पड़ी है, देखो बारिश हल्की हल्की हो रही है, और कल से दोबारा यहाँ बर्फ़ पड़ जाएगी मेरे ख्याल में ना, अगर बर्फ़ पड़ेगी हम दोबारा आएंगे यहाँ पे। माइनस टेम्परेचर में कैंपिंग, और कैंपिंग के अंदर यहाँ पे खाना बन रहा है, देखो ये इमेजिन नहीं कर रहे कितना मज़ा आ रहा है, और यहाँ पे हमने बंद करके रखा क्योंकि हर तरफ से बारिश आ रही है, बिल्कुल, और धुआं वगैरह बाहर नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से हमें की खांसी भी हो रही है मेरे ख्याल में, बन गया है। और हमारा यहाँ पे चिकन रेडी है, और अब हम इसको निकाल दो क्या होता है, काफ़ी तेज़ बनाया था जिसकी वजह से थोड़ी हमें इसकी इरिटेशन हो रही है, और मैं और कमरा में बारिश खासी हो रही है, और जैकेट वगैरह हमने अच्छे खासे पहन रखे हैं, और पाँव वगैरह हमारे कोई नहीं, अच्छा काम जो है दोनों हाथ बराबर रखे हैं, और ये हम डालेंगे इसमें, ये देखो ये पहचानेंगे प्लेट किसकी, हाथी वाली बच्चों वाली प्लेट ये किसकी है वो खुद पहचानेंगे, ब्लॉग देखें उनको हम टैग करेंगे स्पेशली, ठीक है, और हम जल्दी से अब डालते हैं यहाँ पे, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है, ये भी अपनी और चपाती भी है, ये हमारा चिकन जो है बिल्कुल क्या है, लजीज लग रहा है, लजीज है, लजीज खा के पता चलेगा मैं खाए क्या, हम खाएँ अभी नहीं खाएँगे, चपाती मेरे ख्याल में गर्म कर लेते हैं, चपाती गर्म कर लेंगे फिर आपको मिलते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब जो है ये हम खाना अब स्टार्ट करेंगे, और चेक करते हैं ये कैसा है, ये बंद कर दिया, बाहर बारिश हो रही है, और तब तक आप इंजॉय कीजिए हमारे साथ खाना, एक बाइट लेता हूँ मैं, देखता हूँ ये अब कैमरा कौन पकड़ेगा, हैं ये तो कोई नहीं पकड़ेगा, हमें इधर रखना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, ये फ़ोन का कैमरा ज़बरदस्त है ना, कहीं पर भी उसको रख दो आपका गोप्रो, असल में इसका स्टैंड भी था मेरे पास, लेकिन वो स्टैंड आज मैं लाया नहीं, अगर यही पकड़ते रह गए ना तो ठंड काफ़ी है, चपाती का पापड़ बन जाएगा, ये दाएं हाथ से खाओ ना, ये दाएं है ना, आपको क्या उल्टा लग रहा है क्या हो गया आपकी नज़र, नज़र कमज़ोर हो गई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा बना है, ठीक है, ज़बरदस्त बना, टेस्टी है, करते हैं और देखते हैं कैसा बना है, जब हम खाना फिनिश करते हैं उसके बाद मिलेंगे, ठीक है, खाना खा लेते हैं ना, खाना खा के ही हम देखेंगे आगे सिस्टम। अब जो है हम खाना स्टार्ट करेंगे, कैमरा जो है थोड़ा दूर रखा है दोनों साइड से, एक उधर है एक उधर है, वहाँ से दिख रहा है ना, थोड़ा और ऊपर जाए तो आप नीचे गिर जाएंगे, खिसकना नहीं, आप करो स्टार्ट फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि अगर हम ऐसे चलते रहे फिर नहीं होगा काम, करते खाना शुरू, ठीक है, लगता है मीन भाई बल्लू भाई की जय हो, खाना तो अच्छा है, ये सब ने बनाया है, इरफान भाई ने बनाया है, दिलावर ने,
मैं आपको फोन आ रहा भैया। खाना क्या टेस्टी। अस्सलाम वालेकुम। मैं जो है हमें एक फोन आ गया था बीच में। फोन तो आया था। आपका कैमरा चल रहा है? मेरा कैमरा चल रहा है। मैं टिश्यू भी लाया था, अगर आपके हाथ साफ हैं तो निकाल सकते हो आप। पता नहीं लाया था, लाया तो था। मैं ग्लास भी लाया था। ये है इसमें टिश्यू जो हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में आपको भी दिखाना पड़ेगा ना कितना टेस्टी है। लेकिन है अच्छा बनाया उसने ना। इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन वो बोल रहा था आप उंगलियां चाटते रह जाओगे, लेकिन हाँ थोड़ा ऐसा लग रहा है कि उंगलियां हम चाट ही रहे। थोड़ा टेस्टी बनाया उसने। ये देखो क्या बात है। अब हम जल्दी से खाना फिनिश करते हैं, तब तक आप बारिश की बूंदों का मज़ा लीजिए। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और जो ये रेन की साउंड आ रही है कितनी रिलैक्सिंग है ना। रेन कैंपिंग और बाहर बर्फ पड़ी हुई है एक तरफ। वाह, मैं तो अभी भी नहीं दिख रहा। चलो कोई मसला नहीं, अगर मैं ऐसे ही देखता रहा तो खाना हो जाएगा ख़त्म। बिस्मिल्लाह। तो खाओ ना, खाना ख़त्म हो जाएगा तो खाओ। क्या बात है, टेस्टी है। फोन आ रहा है, चुको ना। पहले हम खाना खाते हैं, वो भी हाथ गंदे हैं। सुबह में बैठा हुआ था आराम से बिस्तर में, मैं कौन जाएगा बारिश में। फिर मैंने सोचा चलो एक्सपीरियंस कर लेते हैं बारिश के दौरान कैंपिंग। बारिश के दौरान ही मज़ा आता है। मज़ा आ रहा ना पूरी रैन कैंपिंग। ये है मज़ा। स्कूल अभी पास में, स्नो भी है, बर्फ भी है। इरफान भाई का फोन आ रहा है, वही तो नहीं कर लेते। पूछो जा, बर्फ में है। अस्सलाम वालेकुम। कौन देसो नहीं होने क्या? ये इरफान भाई फोन कर रहे हैं और चीकू ने बताया था रतन शाह वाला जिधर ट्रैक जाना ना, लजीज खाना है, लजीज खाना। मैं कसम ना लुथी है भैया। डीके जी हैं, डीके जी के सामने वही रतन शाह का ट्रैक। अभी हम को पता नहीं कहा है, हम खाना खा रहे थे ना। खाना खाते वक्त कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इतना लजीज खाना है भैया। आपका ये नंबर जो है ना, ये वीडियो में सामने दिख रहा है। अभी पता नहीं भैया, अभी लग जाएगा टाइम। और जो फाइनली हमने सब कुछ खा दिया है जल्दी जल्दी से, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्या है यहाँ बहुत बारिश है। आप इंजॉय कीजिए यहाँ पे बारिश का, मज़ा लीजिए, आनंद लीजिए, और कमेंट शेयर करें कि रेन कैंपिंग आपको पसंद है या नहीं। नेक्स्ट व्लॉग में फिर इंशाल्लाह देखते हैं रेन या स्नो कैंपिंग होगी या कुछ भी होगी, कुछ तो कुछ करेंगे। आप मज़ा लीजिए बारिश का। वाह वाह क्या बात। आप क्यों चुप हो गए हो? खाना कैसा था? अच्छा था ना यार, ज़बरदस्त खाना था, मज़ा आ गया खाने में। पहाड़ों के बीच में खाना खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। पहाड़ों क्या, और हाथ में रेन कैंपिंग, और बाहर एक तरफ बर्फ़ पड़ी हो है ना। ये मैं खोल के दिखाऊं, लेकिन बारिश आएगी बाद में दिखाऊंगा। पहले व्लॉग में आपने शायद देखा ही है, मतलब इन्हें इसी व्लॉग में जो पहले शूट किया उसने आपने देखा है। ये देखो, वाह वाह क्या बात है। और ये जो है हमने पूरा पैक कर दिया है, अब हम यहाँ से निकलेंगे। खाना वाना खा के भाग रहे हैं हम यहाँ से, और जाएंगे। बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही है और बर्फ़ आने के पूरे चांस हो गए, जो हल्के हल्के ओले भी यहाँ पे गिरे बारिश के साथ। और यहाँ पे ये देखो गर्म होने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनको जो है हाइपोथर्मिया ना हो जाए, अपनी गर्मी मेंटेन कर रहे हैं। और अभी हम निकलेंगे यहाँ से टाटा, आगे फिर कुछ अगर छूट किया तो बताएंगे। जल्दी जल्दी से हम अनटेंट ये करेंगे और भागेंगे उस शेल्टर के पास, वो जो सामने आपको हट दिख रही है वहाँ जाएंगे। भैया हाथ हो गए, सुन कैसे बताए कैसे भाग भाग के पैकिंग किए है। और ये देखो मोए मोए हो गए इनके साथ। ये देखो इतनी ठंड है, हमारी तो गड्डी चल गई। ये देखो पेंट पूरी गिली हो गई, ये हम शूट नहीं कर पाए, क्योंकि अगर शूट करते तो फिर क्या होता था कि हमें टेंट पैक नहीं होता था, और वो भी जो है जल्दी जल्दी ऐसे कुछ फेंका हमने, पूरा पैक भी नहीं किया।
और जो है हम चलते हैं वापस, सबको सलाम करते हैं। ये मेरे हाथ टेढ़े हो गए, टेढ़े हो गए भैया, मेरे हाथ सीधे करो। ये इधर रहते डालो, गाड़ी के अंदर डालो, थोड़े हो जाएंगे सीधे। और ठंड इतनी थी कि सच में हाथ फ्रीज हो गए, हीटर चलाया। और हम अब क्या करते हैं, निकलते हैं, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। और आगे हमें कुछ था कि कुछ और बनाएंगे, लेकिन अब हिम्मत नहीं है अब बिल्कुल भी नहीं है। आज के बाद पहाड़ों पे बर्फ में, बारिश में कैंपिंग नहीं करनी, माइनस टेम्परेचर था बाहर, बर्फ अंदर पता नहीं चला। जब हम पैक करने बाहर आई तब हमारी बुरी हालत होगी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। बाय बाय, टाटा।